बॉलीवुड स्टार अक्षय कुमार की पत्नी लेखिका ट्विंकल खन्ना ने 18 अगस्त को समंदर किनारे टॉयलेट कर रहे एक शख्स की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा, सुप्रभात, और मुझे लगता है कि यह रहा टॉयलेट एक प्रेम का था पार्ट दो का पहला सीन। ट्विंकल द्वारा शेयर की गई इस तस्वीर को मनोरंजन वेबसाइट्स ने खूब चलाया और इस पर लोगों ने खूब चुटकियां ली, लेकिन साथ ही इसी तस्वीर के लिए ट्विंकल को ट्रोल भी किया गया। ट्रोल करने वालों ने ट्विंकल को पुरुषों की डिग्निटी की बातों को लेकर घेरा। अब ट्विंकल ने 22 अगस्त को ट्रोल्स को जवाब दिया है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से वापस वही तस्वीर पोस्ट की है, लेकिन इस बार नए कैप्शन के साथ। इस बार तस्वीर पोस्ट करने के साथ ट्विंकल ने सफाई पेश करते हुए लिखा, मुझे टॉयलेट एक प्रेम कथा की रिलीज और खुले में शौच मुक्त की टाइमिंग गजब लगी। यदि आपको यह अपमानजनक लगता है तो ठीक है, यदि नहीं लगता है जो लगता है करो। मालूम हो कि कुछ लोगों ने ट्विंकल पर अपने पति की फिल्म का प्रमोशन करने का भी आरोप लगाया, लेकिन यह पहले ही 115 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। फिल्म की थीम की बात करें तो यह खुले में शौच करने पर तनज कसती और लोगों को सीख देती एक फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार और भूमि पेडनेकर अहम भूमिका में है। फिल्म टॉयलेट एक प्रेम कथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान को बढ़ावा देती है। यह एक स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज वाली फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर इसके साथ और इसके बाद रिलीज हुई फिल्मों को भी तगड़ी पटखनी दी है। फिल्म एक वास्तविक घटना पर आधारित है। इसमें अक्षय कुमार, जो कि केशव नाम के शख्स की भूमिका में है, उनकी पत्नी घर छोड़कर इसलिए चली जाती है क्योंकि उनके यहाँ टॉयलेट नहीं है।